दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में, जहां होती है सीधी बात विदाउट एनी बकवास। हमारा जीवन, हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारी मुश्किलों से घिरा हुआ है, परेशानियों से घिरा हुआ है, लेकिन जैसा कि आपने इस थंबनेल में देखा, आज की कहानी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की है, एक ऐसे बिजनेसमैन की है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कहें तो ब्लाइंड है, या फिर हिंदी में कहें तो वो देख नहीं सकते हैं, वो अंधे हैं। इसके बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है और हाल ही में उनकी लाइफ पर एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था श्रीकांत। आखिर ये शख्स हैं कौन, कैसे एक अंधे विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट नहीं किया तो सोच लीजिए आप लाइफ में कंप्लीटली डिमोटिवेट हो चुके हैं और कुछ भी आपको जिंदगी में बड़ा नहीं बना सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो गौर से देखिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों 12 मई 2024 ये वो दिन था जब सिनेमा हॉल्स में एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है श्रीकांत। इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है, यानी जो इसके अभिनेता है, उनका नाम राजकुमार राव है। लेकिन ये कहानी राजकुमार राव की नहीं है, ये कहानी है श्रीकांत बोल्ला की। अब ये श्रीकांत बोल्ला है कौन? दोस्तों श्रीकांत बोल्ला का जन्म 7 जुलाई 1991 यानी 1991 में आंध्र प्रदेश के सीतारामपुरम में हुआ था, जो कि एक छोटा सा गांव है। जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि वो ना केवल उनके माता पिता की पहली संतान थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा सुंदर थे। वो अपने शब्दों में खुद कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो सोना झड़ रहा है शरीर से। उनके माता पिता उन्हें देखकर बेहद खुश हुए। लेकिन जब लालटेन की रोशनी के पास, वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, तो जब लालटेन की रोशनी के पास उन्हें नहलाया गया, क्योंकि बच्चों को जन्म के बाद नहलाया जाता है जैसा कि आप जानते हैं, तो जब उन्हें नहलाया गया पहली बार, तो माता पिता को लगा ये शायद अंधे हैं, ये देख नहीं सकते हैं। उनका सपना वहीं पर चकनाचूर होकर रह गया। आपको ये बता दूं कि श्रीकांत बेहद ही गरीब परिवार से थे और उनके पिता महज साल के 20,000 रुपए तक भी नहीं कमा सकते थे। घर के हालात बहुत ज्यादा बुरे थे। अब इतनी गरीबी में जब श्रीकांत का जन्म होता है तो आस पड़ोस के जो लोग थे वो ये कहते हैं, यार एक तो तुम पहले से गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत कम है, ऊपर से एक अंधे बच्चे का जो बोझ है वो तुम कब तक ढोगे, तुम्हें तो इसका बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि तुम इसे कैसे भी करके इसे खत्म कर दो, इसे मार दो, इसका कत्ल कर दो। कैसे कर दो कत्ल? तुम तकिए से इसे मार डालो या फिर कुछ ऐसा करो जिससे इसकी मौत हो जाए, ताकि ये तुम पर बोझ ना बन सके। लेकिन दोस्तों माता पिता के लिए अपना हर बच्चा उन्हें बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही लगाव होता है, भले वो बच्चा जैसा भी हो। माता पिता ने पड़ोसियों की इन बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कहा नहीं, हम अपने बच्चे को पालेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम घर में जो आवारा कुत्ते घुसते हैं, कम से कम उन्हें तो भगा पाएगा, उनका शोर सुनेगा, और अगर आवारा कुत्ते घर में आ गए तो उनको तो भगा पाएगा। सोचिए, अब श्रीकांत यहाँ पर खुद कहते हैं कि जिंदगी में किसी ना किसी का कोई मकसद जरूर होता है जिसे लेकर वो पैदा होता है। अब उसे उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनकी जिंदगी का मकसद यही होगा कि घर से कुत्तों को भगाना है। बचपन में दोस्तों श्रीकांत काफी नटखट थे, भले ही वो देख नहीं सकते थे लेकिन वो बहुत ही शैतान थे। वो खेत में चले जाते अपने पिता के पास और अपनी जो ग्रैंड मदर हैं, अपनी दादी, उनके पास चले जाते। खेतों में वो बहुत ज्यादा घूमते, पंछियों के साथ खेलते, जानवरों के साथ खेलते। इसके बावजूद कि वो अंधे थे, उनमें गजब का जज्बा था। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो, क्योंकि सीतारामपुरम जो गांव है बेहद ही पिछड़ा हुआ गांव था, उन्हें स्कूल जाना था। अब स्कूल जाने के लिए भी वो पैदल 5 किलोमीटर का रास्ता तय करते और वो स्कूल जाते, और इस 5 किलोमीटर के रास्ते में भी बेहद बड़े बड़े खड्डे थे, रास्ता बहुत ज़्यादा खराब था, इसके बावजूद वो स्कूल में पहुँचते।
लेकिन यहाँ पर एक कहानी और भी है। जब वो स्कूल तो चले जाते लेकिन उन्हें एक अंधा समझकर पीछे बैठा दिया जाता, टीचर्स उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे तो ये उन्हें बड़ा खराब लगता। इसी बीच उनके जो अंकल थे, उनके जो एक दूर के अंकल थे वो हैदराबाद में रहते थे, उन्होंने श्रीकांत को कहा कि तुम यहाँ पढ़ाई मत करो, सीतारामपुरम में तुम पढ़ाई मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ हैदराबाद में, वहाँ एक स्पेशल स्कूल है जो उन्हीं बच्चों का है जो विकलांग है, यानी जो जैसे श्रीकांत की तरह बच्चे जो देख नहीं सकते हैं या फिर दूसरी विकलांगता के शिकार है, तुम वहाँ आ जाओ और वहाँ पढ़ाई करो। श्रीकांत वहाँ चले गए। श्रीकांत खुद ये बताते हैं कि जब वो वहाँ चले गए तो कपड़े धोने और जितने भी दूसरे काम थे, क्योंकि वहाँ वो हॉस्टल में रहते तो एक स्पेशल स्कूल था, तो जितने भी काम थे वो श्रीकांत खुद करते थे। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ तक कि वो बैंगन, आलू और उसके साथ साथ सांभर, ये उन्होंने अगले 10 साल तक खाया। 10 साल तक उनका भोजन केवल बैंगन था, आलू था और सांभर था। उन्होंने 10वीं क्लास क्लियर कर ली। इसके बाद वो साइंस लेकर पढ़ना चाहते थे लेकिन किसी भी स्कूल ने उनका एडमिशन लेना मना कर दिया क्योंकि वो आंखों से देख नहीं सकते थे। इसके बाद वो कोर्ट में गए और वहां पर एक लीगल केस लड़ा और महज 6 महीने के अंदर ही वो ये केस जीत गए। स्कूल वालों ने उनका एडमिशन तो ले लिया लेकिन ये साफ कहा कि आप अपने रिस्क में ही पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई भी योगदान ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि श्रीकांत ने 12वीं कक्षा में 98% हासिल किए। तो दोस्तों, चाहे जितनी बड़ी उनके पास विपदा आ गई हो लेकिन उनके अंदर एक गजब का जज्बा था, एक गजब का पॉजिटिव एटीट्यूड था जिससे वो आगे बढ़े। अब 12वीं कक्षा में 98% आने के बावजूद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT से पढ़ाई करें। लेकिन मसला फिर वही था, उनका अंधा होना। IIT ने उनका एडमिशन लेने से मना कर दिया, यहाँ तक कि जो बिट्स पिलानी है, जी हाँ BITS पिलानी है, बिट्स पिलानी है, उन्होंने तो उन्हें हॉल टिकट तक नहीं दिया। वो निराश हुए लेकिन अब करें तो क्या करें, लेकिन हिम्मत उनकी जवाब नहीं दी और वो USA चले गए जहाँ पर उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी IIT की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की। अब इस दौरान वो बताते हैं कि उनका जो पहला हवाई सफ़र रहा वो किस तरीके से रहा और वहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट्स उन्होंने यूज़ किए पहली बार, शावर्स उन्होंने पहली बार देखे। तो बड़ा दिलचस्प है कि छोटे से गाँव में रहने वाला लड़का इतनी दूर तक गया, वो अमेरिका तक गया। और आपको ये बता दो कि उनके अंदर इतनी प्रतिभा थी कि इनफैक्ट अमेरिकन कंपनी से भी उन्हें अप्रोच किया था कि वो उनके यहाँ ज्वाइन करें। लेकिन श्रीकांत ये चाहते थे कि वो भारत आए और इंडिया के लिए कुछ करें। इसके बाद 2012 में उन्होंने अपने कलीग जो कि उनके पहचान के थे उनके साथ एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था वॉलेंट इंडस्ट्रीज, और उनके कलीग जिनके साथ उन्होंने कंपनी स्टार्ट की उनका नाम है रवि मंथा। अब ये जो वॉलेंट इंडस्ट्रीज थी ये बहुत ही छोटे से कमरे में स्टार्ट हुई थी और महज 6 एम्प्लॉयज से इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। और आपको बता दूं कि बाद में इस कंपनी को रतन टाटा ने भी फंडिंग दी। अब वॉलेंट इंडस्ट्रीज जो है वो दरअसल रिसाइकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं उनसे वो मटेरियल बनाती है, काफ़ी रिसाइकल प्रोडक्ट्स वो बनाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। अब वॉलेंट इंडस्ट्रीज की खासियत ये भी है कि वो जो लोगों को एम्प्लॉय करती है वो डिसेबल लोग हैं, यानी जो विकलांग हैं या फिर जो आपको देख नहीं पाते हैं उन्हें वो अपनी नौकरी पर रखती है। और आपको बता दूं कि श्रीकांत बुल्ला एक डिसेबल होने के बावजूद जो देख नहीं सकते हैं उन्होंने इस कंपनी में कड़ी मेहनत की है और आज इस कंपनी का टर्नओवर तकरीबन 150 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि श्रीकांत को 30 Under 30 जो कि फोर्ब्स की लिस्ट में वो शुमार हो चुके हैं। अब दोस्तों, श्रीकांत बोला शादीशुदा भी हैं, उनकी वाइफ का नाम वीरा स्वाति है और उन्होंने शादी जो की वो 2022 में की। और आपको बता दूं ये एक लव मैरिज थी, वीरा पहली नज़र में देखते ही श्रीकांत के प्यार में पड़ गई थी और श्रीकांत को भी उनसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। हाल ही में दोनों ने एक बेटी को जन्म भी दिया जिसका नाम नैना है। सोचिए कितना सुंदर नाम है नैना। और माता पिता ने तो पहले से लड़की के लिए जन्म से पहले ही ये सोच लिया था कि शायद लड़की होगी और उसके लिए कपड़े भी खरीद लिए थे। अब आपको ये भी बता दूं कि श्रीकांत बुल्ला एक यंग लीडर भी हैं और वो लीड इंडिया 2020 के मेंबर भी हैं। एक सेकेंड नेशनल यूथ मूवमेंट था जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था। उसका मकसद ये था कि 2020 में हमारा जो देश है वो गरीबी से निजात पा जाए और जो दूसरी मुश्किलें वो झेल रहा है उससे निजात पा जाए, और वो इसके सदस्य भी हैं। इस कारण वो काफ़ी सोशल वर्क करते हैं और काफ़ी उन लोगों के लिए काम करते हैं
जो विकलांग है, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं या फिर दूसरे विकलांगता के शिकार हैं। सोचिए दोस्तों, ये कहानी थी उस शख्स की जो कभी देख नहीं सकता था, जिसके घर में बिजली तक नहीं थी, सहूलियतें कुछ नहीं थी, इसके बावजूद उसने कड़ी मेहनत की और जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स के शिकार हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कारण हम खुद को हारा समझ बैठते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इस कहानी ने आपको छुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, एक कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही लोगों की कहानियां मैं आप तक लाता रहूं और आपको मोटिवेट करता रहूं। मिलेंगे आपसे अगले